वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको डोसा बनाना बताऊंगी जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। बिल्कुल पेपर डोसा बनाना बताऊंगी। डोसा सभी का फेवरेट होता है, लेकिन जब हम घर पे बनाते हैं तो थोड़ा सा मोटा उतरता है, बिल्कुल पतला नहीं उतरता है। तो किस कारण से ये पेपर डोसा बनता है, वो सारे कारण जो है मैं आज आपको अपने वीडियो में बताऊंगी। तो आप मेरा वीडियो पूरा ध्यान से देखें। डोसे को कोकोनट चटनी और सांभर के साथ खाया जाता है। नारियल की चटनी कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप देख सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको सिर्फ दो ही चीजों से डोसा बनाना बताऊंगी। बहुत से लोग तो चना दाल और दाना मेथी भी डोसे के अंदर डालते हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैं आज आपको डोसा बनाना बताऊंगी, तो आप मेरा वीडियो पूरा ध्यान से देखें। तो यहाँ पर मैंने ये लिए हैं 3 कप चावल और मैंने ली है 1 कप उड़द दाल। 1 ही कप से हमें इनको नाप लेना है। इस तरह की हमें ये दाल लेनी है, आप देख सकते हैं। इन दोनों को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था 3 से 4 बार। 3 से 4 घंटे के लिए मैंने इनको पानी के अंदर भिगो दिया था। पानी के अंदर भिगोने से दाल जो है हमारी डबल हो गई है, चावल भी आप देख सकते हैं फूल के दुगुने हो गए हैं। इन दोनों को मैंने अलग अलग ही भिगोया था और अलग अलग ही हम इन दोनों को पीसेंगे। तो चलिए अब इनको हम ग्राइंड कर लेते हैं। मिक्सी के जार में हम इनको पीसेंगे, लेकिन ज्यादा हमें बारीक भी नहीं पीसना है, ज्यादा मोटा भी नहीं पीसना है। जितनी आवश्यकता हो उतना ही हमें पानी ऐड करना है। बैटर को हमें थिक ही रखना है, इस बात का आप ध्यान रखें। सबसे पहले हम चावल ऐड कर देते हैं और इनको पीसेंगे। ये देखिए बिल्कुल हमें इस तरह का पीसना है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इसी तरह हम दाल को भी पीस लेंगे। आप देख सकते हैं दाल और चावल को हमें पीस लिया है। अब बिल्कुल हमें इस तरह इसको ठीक ही रखना है और चलाते रहना है ताकि बैटर में जो है अच्छे से हवा भर जाए, वो बैटर जो है अच्छा फ्लफी हो जाए। इस तरह हमें इसको 4 से 5 मिनट तक लगातार चलाते रहना है। अब 3 से 4 घंटे के लिए बैटर को सेट होने के लिए हम रख देंगे और इसको अच्छी तरह से हम ढक देंगे। किसी भी गर्म जगह पे हमें इसको रखना है। बैटर सेट होता है तब तक हम आलू का मसाला भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। आलू का मसाला बनाने के लिए गैस पे मैंने पैन रख दिया है, इसमें अब हम तेल ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून इसमें तेल ऐड करूंगी। तेल गरम हो गया है तो चलिए अब इसमें राई ऐड कर देते हैं। तो 1 टीस्पून में यहाँ पर राई ली है मैंने, वो इस पे हम डालेंगे। राई चटकने लग गई है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कड़ी पत्ता लिया है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छे से वॉश करके इसमें डालना है। अब मैंने यहाँ पर 1 हरी मिर्च ली है बारीक कट की हुई, वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। सभी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 3 आलू लिए हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया था और कट कर दिया है, ये इसमें हम ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हम लेंगे नमक, 1 टीस्पून हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर। सभी को अच्छे से मैश कर लेंगे। थोड़ा सा आलू को मैश कर लेंगे, इसको दबा देंगे। बिल्कुल साबुत आलू भी हमें इसमें नहीं रखने हैं और अच्छे से इसको हम हिला देंगे। 2 से 3 मिनट तक हमें इसको पकाना है। अच्छी बाइंडिंग आ गई, आप देख सकते हैं। ये देखिए मसाला बनकर हमारा तैयार हो गया है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर हरा धनिया लिया है, इसको धोकर कट कर लिया है, वो लास्ट में हम इसमें डाल देंगे और एक बार फिर से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। मसाले को अब हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और चलिए देखते हैं कि हमारा जो बैटर है वो तैयार हुआ है या नहीं। अब बैटर को हम चेक कर लेते हैं, तो इसको अब हम खोलेंगे। आप देख सकते हैं बैटर हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए जितना चाहिएगा उसको हम निकाल लेंगे। अब एक बाउल में हम निकाल लेते हैं और इसको थोड़ा पतला करेंगे हम डोसा बनाने के लिए।
बचे हुए बैटर को हम ढक कर रख देंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको थोड़ा हम पतला करेंगे। बचे हुए बैटर को हम फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं 3 से 4 दिन के लिए, खराब नहीं होता है। जब भी आपको डोसा बनाना हो तब आप इसको निकाल कर बना सकते हैं। आप चाहे तो इसकी इडली भी बना सकते हैं, वो भी खाने में बहुत अच्छी लगती है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा पानी मोर ऐड करेंगे और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम नमक भी ऐड कर देंगे और अच्छे से हिला लेते हैं। इस तरह का हमें बैटर रखना है, आप देख सकते हैं। चलिए अब हम डोसा बनाएंगे। गैस पे मैंने नॉन स्टिक तवा रख दिया है, तो इस पे अब हम डोसा बनाएंगे। इस तरह हमें इसको गोल गोल करके फैलाना है, सर्किल बनाते हुए इस तरह। अब गैस की फ्लेम को हम फुल कर देते हैं और इसको अब हम सेकने देंगे। जब ये चारों तरफ से सूख जाए तो अब इसमें तेल डाल लेंगे। चारों तरफ से हमें इस तरह इसमें तेल ऐड करना है। यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम कम करनी है और कम फ्लेम पे हमें इसको सेकना है ताकि अच्छी तरह से ये क्रिस्पी हो जाए। डोसे को हमें कहीं से भी कुछ भी नहीं करना है, ये अपने आप ही सिक कर तैयार हो जाएगा। जब ये पूरा ब्राउन हो जाएगा तब हम इस पे मसाला ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं डोसा बनने लग गया है, इसके कॉर्नर जो है अपने आप से ये उठने लग गया है। देख सकते हैं डोसा हमारा सीख गया है। अब हम इसमें मसाला ऐड कर देंगे और इसको अब हम फोल्ड कर देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा डोसा हमारा बनकर तैयार हुआ है, आप आवाज सुन सकते हैं। डोसे को अब हम प्लेट में सर्व करेंगे। डोसा हमारा बनकर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं कितना पतला और कितना क्रिस्पी डोसा हमारा बना है। इस तरह डोसा बनाते समय हमें कुछ बातें जो ध्यान रखनी होती है वो ये है कि जब हम डोसा तवे पे डालेंगे तो हमारी गैस की जो फ्लेम है वो कम होनी चाहिए। डालने के बाद हमें मीडियम फ्लेम पे इसको सेकना होता है। और जब हम दूसरा डोसा डालेंगे तो तवे पे थोड़े से पानी के छींटे डालकर तवे का जो टेम्परेचर है उसको हमें कम करना है। फिर कम फ्लेम पे हमें डोसा डालना है, फिर मीडियम फ्लेम पे हमें इसको सेकना है। इस बात का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपका डोसा भी तवे पे बिल्कुल नहीं चिपकेगा, बहुत अच्छा क्रिस्पी और बिल्कुल पेपर डोसा बनकर तैयार होगा। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना न भूलें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।